My last video went viral and got 12,000 plus subscribers. एक वीडियो वायरल होने के पीछे कई मल्टीपल रीजंस होते हैं एंड उन्हीं रीजन में सबसे टॉप पर है दी परफेक्ट वॉइस ओवर. सैडली वेयर यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि तुम्हारी आवाज एक्चुअली बहुत बोरिंग है. अब तुम कहोगे यार मेरे पास माइक नहीं है. भाई मेरी तो आवाज ही बहुत बुरी है. रहन दो भाई, फालतू के बहाने बनाना बंद करो. एक प्रोफेशनल लेवल का वॉइस ओवर करने के लिए जस्ट नीड अ मोबाइल एंड दिस 3-स्टेप फॉर्मूला जो तुम्हारे बोरिंग से वॉइस ओवर को एकदम प्रोफेशनल बना के रख देगा, नो मैटर व्हाट तुम्हारे पास माइक है या नहीं. स्टार्टिंग विद स्टेप 1. क्या कहोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम हजारों वीडियोस यूट्यूब पर डाल दो फिर भी ग्रो नहीं हो पाओगे. ऐसा मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा बल्कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई वॉइस ओवर इज अ मीडियम जो तुम्हारे वीडियो से ऑडियंस को कनेक्ट करता है और उसमें अगर ये पॉइंट ही ना हो तो लिख के ले लो, तुम्हारा एवरी सिंगल एफर्ट इज जस्ट अ वेस्ट. द पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. इट्स अ थिंग, अगर तुम झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो लोग उसे सच मान लेंगे. इसी वजह से मैं स्कूल में फिटनेस से कई बार बचा हूँ. अब क्वेश्चन ये आता है कि वॉइस ओवर में कॉन्फिडेंस लाएं कैसे. यार बहुत सिंपल है एंड मैं भी यही फॉलो करता हूँ. जब भी तुम अपने वीडियो के लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने वाले हो तो सीधे खड़े हो जाओ और अपने शोल्डर्स को स्लाइटली पीछे कर लो एंड पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है बट इट्स वेरी इफेक्टिव. एंड थोड़ा सा लाउडली बोलो, मतलब चीखना नहीं है, जैसे तुम नॉर्मली किसी से बात करते हो ना, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा. एंड ऑल्सो वार्म अप योर स्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ तो पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट को 2-3 बार लाउडली रीड आउट करता हूँ. जो मेरी एक्चुअल आवाज है वो निकल कर आती है एंड वाइल्ड रिकॉर्डिंग एक अच्छी फ्लो भी मेंटेन हो पाती है. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एंड रिव्यू. कई बार ऐसा होता है कि एडिटिंग के टाइम वी फाइंड सम मिस्टेक्स इन वॉइस ओवर एंड बाद में उसे फिक्स कर पाना इज नॉट इजी. तो रिकॉर्ड करते टाइम ये भी ध्यान में रखो कि रिव्यू कर लो, अगर कोई कमी दिखती है तो ट्राई अगेन, डोंट कॉम्प्रोमाइज. इससे तुम्हारे इश्यूज ही सॉल्व नहीं होंगे बल्कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट जर्नी भी स्पीड अप हो जाएगी. इन टिप्स को फॉलो करने के बाद यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट क्रिएटर, जिससे व्यूज ही नहीं बल्कि तुम्हारी ऑडियंस का एंगेजमेंट एंड ऑल्सो क्रिएटर ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस शोज यू एज एन एक्सपर्ट. इसका मतलब लोग तुम्हारे वीडियोस को देर तक देखेंगे जिससे वॉच टाइम ज्यादा आएगा और वॉच टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तुम ऑलरेडी जानते हो. तो अब तुमने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लिया. अगर तुम्हारा वॉइस ओवर डिस्ट्रेक्टिव है एंड उसमें क्लैरिटी ही नहीं है तो तुम तो क्या एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी फेल हो जाएगा. इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टेप 2, सेटअप एंड टेक्निक. चलो मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो तुम्हारे वॉइस ओवर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी, मॉड्यूलेशन एंड वॉइस एक्टिंग. अपनी स्क्रिप्ट को एक लीनियर फॉर्म में ही मत पढ़ो बल्कि उसमें जो भी इमोशंस एंड एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस करो. इट विल मेक यूर वॉइस ओवर मेमोरेबल एंड मोर कैप्टिवेटिंग. जो तुम फील करते हो अबाउट द टॉपिक वो तुम्हारे व्यूअर को भी फील होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल तुम टेक बर्नर का ये वाला क्लिप देख सकते हो. स्मार्ट वॉच और फोन की भिड़ंत को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2005 में. 2005 में लैपटॉप्स भाई सोशल मीडिया पे छा गए, और अगर आप स्मार्टफोन्स की भी सेल देखो 200 मिलियन को स्मार्टफोन बिकते हैं. 2015 था कि 1.4 बिलियन हो गया था इसका नंबर. स्मार्टफोन ने भाई लैपटॉप्स को बाय बाय कर दिया. तुमने देखा होगा टेक बर्नर ने जिस पॉइंट पर बात की है उसकी पूरी एक फील दी है बाय एडिंग सम इमोशन एंड मॉड्यूलेशन. इन 2023 एवरी नीच इज सैचुरेटेड, मतलब भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. अगर तुम ऑडियंस को कुछ फील नहीं कराओगे तो तुम्हें कोई भी याद नहीं रखने वाला. चलो भाई सही है, डाल लिया वॉइस एक्टिंग को वॉइस ओवर में, लेकिन यार वीडियो की स्क्रिप्ट पूरे 10 मिनट की है, एक ही बार में पढ़ दूं क्या? नहीं, अगर तुम्हारी वीडियो स्क्रिप्ट बड़ी है तो एक बार में इफेक्टिव वॉइस ओवर कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. तो रीड योर स्क्रिप्ट इन सेक्शंस और पैराग्राफ्स, इससे तुम छोटे पार्ट्स पर फोकस कर पाओगे और बीच बीच में वाटर के एक दो सिप्स भी लेते रहना. इससे तुम्हारे वॉइस ओवर में फंबल डिक्रीज होगा और क्लैरिटी इंक्रीज होगी एंड यू कैन रिकॉर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड एज वेल. भाई मेरे पास माइक ही नहीं है तो मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता. अरे भाई बाबा आदम के जमाने के हो क्या यार, तुम्हारे पास माइक ऑलरेडी है और तुम्हें पता भी नहीं है. तुम्हारा मोबाइल, इट्स इनफ यार. चलो मैं तुम्हें एक ऐसा हैक बताता हूँ जिससे तुम एक सेक्सी लेवल की ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे. तो फर्स्ट आएगी तुम्हारा फोन एंड सेकंड एक हैंकी. तो सबसे पहले हैंकी को 2 लेयर्स फोल्ड करो, देन इसको माइक्रोफोन की साइड से ऐसे लगा दो एंड अब तुम रिकॉर्ड करोगे तो पीबी टाइप प्लोसिव साउंड सप्रेस हो जाएंगी. तो अब आता है एक क्रिएटर का दर्द, दी बैकग्राउंड नॉइज. सुनने में तो सिर्फ 2 ही शब्द हैं बट इट गिव्स टू मच प्रॉब्लम्स व्हाइल रिकॉर्डिंग. वो बैकग्राउंड नॉइज को सप्रेस करने के लिए अपने माइक्रोफोन या मोबाइल को माउथ के क्लोजली रखो एंड ट्राई करो कि लेस ट्रैफिक टाइम पर रिकॉर्ड कर सको. फॉर एग्जांपल यू कैन रिकॉर्ड इन लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग. लेट नाइट बढ़िया ऑप्शन है, अर्ली मॉर्निंग में आवाज उतनी अच्छी नहीं होती तो वार्म अप ज्यादा करना पड़ेगा. बाकी तो वही कॉमन टिप्स हैं, कर्टेन लगा लो, रूम कपड़ों से भर दो वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी एक जरूरी पॉइंट है तो ट्राई करना पड़ेगा. और तुम एक काम और कर लेना कि जो तुम्हारा डिवाइस और माउथ के बीच की डिस्टेंस है उसको सेम रखना. इससे होगा ये तुम्हारी आवाज जो रिकॉर्ड होने के बाद अलग अलग आती है तो वो नहीं होगी. अब यहाँ तक तुम्हारा वॉइस ओवर परफेक्टली तो रिकॉर्ड हो ही चुका है, तो इसको थोड़ा और बेटर एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम करेंगे एडिट. और यही वो चीज है जहाँ लोग भर भर के गलतियां कर देते हैं और इसी वजह से उनको एक एक्चुअल प्रोफेशनल आउटपुट नहीं मिल पाता.
तो एडिट के लिए बेस्ट ऐप है लेक्सिस, तो अपनी ऑडियो फाइल यहाँ इंपोर्ट कर लो, देन थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आ जाओ इफेक्ट्स और नॉइस रिडक्शन पर। फिर तुम्हारे सामने आ जाएंगी कुछ ये सेटिंग्स, चाहो तो छेड़छाड़ कर सकते हो बट मैं इन्हें बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ इक्वलाइजर पर, और ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ तुम्हारे राइट साइड में है ट्रेबल एंड लेफ्ट साइड में है बेस। ट्रेबल बढ़ाने से तुम्हारे वॉइस ओवर के अंदर क्रिस्पनेस एड हो जाएगी, लेफ्ट में बेस इंक्रीज करने से तुम्हारी ऑडियो में बेस एड हो जाएगी। आजकल एक फैशन सा चल गया है कि लोगों को क्रिस्पी ऑडियो काफी पसंद आ रही है, तो मैंने ट्रेबल को ज्यादा रखा है। तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, बाकी तो मेरी सेटिंग है ही। बस एक बात का स्पेशली ध्यान रखना कि कोई भी लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारी आवाज अननेचुरल लगे, क्योंकि एक नेचुरल टोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ नॉर्मलाइज पर और इसको अप्लाई कर दो, एंड नाउ योर कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल वॉइस ओवर इज रेडी। बाय द वे, मेरी लास्ट वीडियो वायरल होने के पीछे मेरी स्ट्रेटेजिक एडिटिंग भी थी, और तुम्हें पता भी नहीं है जिसको एल्गो ने अपने वीडियो में बड़े ही स्मार्टली यूज करके अपनी ग्रोथ लाखों में की है। अगर जानना चाहते हो तो थंबनेल पर क्लिक करके अंदर आ जाओ, इस बहाने तुमसे एक मुलाकात और हो जाएगी।